नमस्कार। खास मुलाकात कार्यक्रम में तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम बैठे हैं परमंडलीय पुलिस उप महानिरीक्षक विपुल शुक्ला जी के पास और बात करते हैं परमंडल में जो क्राइम पर कंट्रोल हुआ है उन मुद्दों पर। सबसे पहले बता दें दर्शकों की जिस तरह से परमंडल में विपुल शुक्ला जी के आने के बाद लगातार जो है क्राइम पर कंट्रोल हुआ है, लगातार जो लोग मिल रहे हैं उनसे पता चल रहा है कि जिले में या परमंडल स्तर पर क्राइम में 50% का कंट्रोल हो चुका है। क्या है इसका राज, हम जानना चाहेंगे विपुल शुक्ला जी से। सबसे पहले बताइए कि क्राइम पर कंट्रोल लगातार होता जा रहा है, आखिर इसके पीछे क्यों नहीं हुआ, अभी क्यों? धन्यवाद। पहले तो आपको, आपके चैनल दर्शकों को मेरा अभिवादन। आज इसे आपके माध्यम से हम मुखातिब हो रहे हैं। देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा है क्राइम के विषय में कि क्राइम कैसे कंट्रोल हो रहा है, पहले क्यों नहीं हुआ, आज हम लोग पूर्व बना जाए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हर समय की स्थिति और समस्याएँ अलग होती हैं। लेकिन जब लास्ट सेप्टेम्बर में मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया तो मैंने पाया कि जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट रोड है, जो रांची से लेके हमारी औरंगाबाद तक निकलती है, उसमें हम लोगों ने देखा कि बहुत क्राइम रोड पे, क्राइम बहुत हो रहा था। मैंने चंदवा से लेकर और हरिहरगंज तक लगातार सुल्तानी घाटी में, कंडा घाटी में, शहर में और लातेहार के उदयपुरा के जंगल में काफ़ी जगह क्राइम हो रहा था। मैं जहाँ भी रहा हूँ, मेरा एक तरीका रहता है, मैं हमेशा सोचता हूँ कि आखिर ये अपराध किसी क्षेत्र में जब होते हैं तो क्या कारण है कि उसी क्षेत्र में वो अपराध हो रहा है। तो हम लोग ने एक साइंटिफिक स्टडी की इस संबंध में कि कैसे ये अपराध, पहले तो ये देखा कि कितने अपराध हुए, अपराध अगर हुए हैं तो वो महीने के किस दिन हुए, किस समय पर हुए, किस स्थान पर कितने अपराध हुए और किस रोड पे हुए और वो क्राइम क्या था, मैंने लूट की, डकैती थी या बस में घटना, सबको हम लोगों ने कैटेगराइज किया। और हमने पाया कि पलामू ज़िले में अकेले ही सितंबर तक, मैंने पिछले वर्ष 42 रोड डकैती और रोड रॉबरी के क्राइम हो चुके थे। हमारे डीजी साहब इसके लिए बहुत वरीड थे और उन्होंने, जब मैंने ज्वाइन किया तो उन्होंने भी हमको कहा था कि भाई स्पेशल टास्क है तुम्हारे ड्यूटी, वहाँ जाके आपको देखना है कि आखिर क्राइम इतना क्यों हो रहा है। जब हम लोगों ने बैठ के इसको सब क्राइम को हम लोगों ने स्टडी किया तो पाया कि बिल्कुल ही फिक्स स्पॉट्स पे क्राइम हो रहा है और काफ़ी संख्या में क्राइम हो रहा है। जब हम लोगों ने इसको, इन सभी को हम लोगों ने जब नक्शे पर उतारा, हर क्षेत्र हर थाना प्रभारी को हम लोगों ने बुलाया और उसके बाद उनको हम लोगों ने पूछा कि भाई तुम्हारा जो भी क्राइम आज तक हुआ है उसको आप अपने नक्शे पर बना के लाइए। और जब वो नक्शे पर बना के लाए तो उनको स्वयं ही दिखाई पड़ गया कि किस क्षेत्र में क्राइम है। तो जब अगर आपको ये मालूम पड़ जाए कि आपके इस पर्टिकुलर क्षेत्र में अपराध हो रहा है और पूरा थाना क्षेत्र, मान लीजिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चार सेक्टर अगर बांट रहे हैं और आप अगर ये पाते हैं कि सिर्फ नॉर्थ साइड में ही खाली क्राइम हो रहा है और ईस्ट वेस्ट साउथ में कुछ नहीं हो रहा है, तो हम अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं उसमें जहाँ क्राइम नहीं हो रहा है। तो इसलिए जिस जगह पर क्राइम हो रहा है उस जगह को हम लोग पहले तो स्टार्ट किया कि देखा कि पहले तो आप तत्काल तो ये करना है कि पहले तो क्राइम अब ये ना हो, इस उसकी क्या व्यवस्था हो सकती है। तो उसके लिए हम लोगों ने PCR वैन्स देख रहे होंगे आप, अपने पेट्रोलिंग का सिस्टम चेंज किया, चौकीदारों का सिस्टम उन्होंने चेंज किया जहाँ हमको लगा, क्योंकि एक दिक्कत यहाँ बहुत बड़ी ये थी कि जो क्षेत्र हमारे, मैंने जिनका नाम लिया है आपसे, वो सभी क्षेत्र नक्सल और घनघोर नक्सल इलाका है, तो पुलिस यहाँ पर कभी भी फिक्स टाइप की पेट्रोलिंग और फिक्स टाइमिंग की पेट्रोलिंग नहीं कर सकती। तो इस कारण से क्या होता था कि जैसे जब उनको पता होता अपराधियों को कि इतने बजे के बाद गाड़ी बंद हो जाएगी तो उसके बाद मैं गश्ती उसका रूप क्राइम कर, हम लोगों ने अपना सिस्टम चेंज किया सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, कैसे हम लोग अपना अपराधी को हम लोगों ने ये बताना शुरू किया कि तुम चाहे दिन हो या रात, पुलिस कभी ना कभी तुमको चाहे तो जीप पर मिलेगी, गाड़ी में मिलेगी या मोटरसाइकिल पर मिलेगी या ट्रक में बैठ के मिलेगी, कैसे मिलेगी पुलिस, एक डर हुआ। उसके बाद जिस जगह क्राइम होता है उस जगह कोई ना कोई लोकल कनेक्शन जरूर पाते हैं हम लोग, तो वो हम लोगों ने ढूंढा। फिर जितने भी गैंग्स डिटेक्ट हुए उनके साथ उन्होंने जो भी हम लोगों से कॉलेज के बयान बताया था उसको स्टडी किया और अंत में ये भी देखा कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा था उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी। तो मैंने काफ़ी डायरेक्शंस निकाले इनके लिए, पूरा एक लेटर इशू किया सभी SPs के नाम पर कि आप ये अपराध आपकी समीक्षा हम लोगों ने किए और पहले पलामू से स्टार्ट किया लेकिन बाद में लातेहार का मंगाया। तो एक
ट्रेंड दिखाई पड़ गया हम लोग को कि घटनाएँ कैसे हो रही हैं। जब आप देखेंगे कि गढ़वा से लेकर और अगर आप जाते हैं हर इस तरफ निकलते हैं औरंगाबाद रोड पर, तो सारे क्राइम आपको बोलेरो से स्कॉर्पियो से मिलते हैं। उसमें ट्रक लूट के भागना, ट्रक को यहाँ से लूट लेना और बिहार में जाकर पेश देना। तो हम लोगों ने क्या किया कि वो जितने केसेस उसके थे उसको हम लोगों ने स्टडी किया, निकाला उसके अपराधी आज के डेट में कहाँ हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनका कौन सा गैंग के लोग छूटे हुए हैं। तो इस तरह करते 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 और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोगों ने की जिससे कि लोकल कनेक्शन से लेकर पेट्रोलिंग सिस्टम सुधारने से अब ये स्थिति हो गई है कि जैसे हम लोगों ने अभी लास्ट मीटिंग की थी तो जनवरी से अप्रैल तक पिछले वर्ष 22 कांड दर्ज हो गए थे, जबकि इस साल मात्र 4 कांड दर्ज हैं। बहुत तो 22 और 4 हम लोग ऐसे ही कंपेयर करते हैं कि इस साल उस साल कितना अनुक्रमिक कितना हुआ, तो काफ़ी हो। CID की रिपोर्ट में भी ये चीज़ आई है कि इन और अभी आप देखिए कि रात के समय में पहले ये रोड आपका जो 4 बजे या 5 बजे बंद हो जाता था, अब आप रात भर आपकी ट्रकें बसें आराम से इस पर चल रही हैं और क्राइम भी घटा, क्योंकि गैंग्स बहुत पकड़े गए, डिटेक्शन बहुत अच्छा हुआ। और उसके बाद बहुत सारे ज़िलों में तो जो अपराधी थे उसको हमने फास्ट ट्रायल करवा के सजा भी दिलवा दी। तो अब उनमें ये भी भय आ गया है अपराधियों में कि पकड़ना तो पकड़ने के बाद छूटेंगे नहीं और छूटने के बाद हमको सजा भी दिलवा देंगे। तो अगर किसी को ये डर हो जाए कि हमारे पास ये अपराध हम करना है, खाली अपराध करके हम बच नहीं सकते, खाली यहाँ तक सजा दिलवा देगी पुलिस, तो निश्चित रूप से एक भय का माहौल उनके बीच में। कितना मानते हैं सर कि अपराध आत्मगत, हम लोगों ने जिस तरह से सर्वे किया, हम लोग से जो लोग संपर्क करें, आप कितना मानते हैं कि अपराध पर कितना परसेंट जो है लगाम लग चुका है? और दूसरी चीज़ कि आपके अधीनस्थ पदाधिकारी जितने भी हों, चाहे तीनों जिलों के SP हों, चाहे उसमें सारे पुलिस के जवान, कितनी उनसे मदद मिल रही है और किस तरह से मतलब उनका सहयोग कितना मिल पा रहा है? देखिए, आपको ये मानना होगा कि पुलिस इंडिविजुअल वर्क कभी नहीं हो सकता। पुलिसिंग जो है वो हमेशा टीम वर्क होती है, और चूँकि डिपार्टमेंटल हेड में यहाँ पर भी DIG के रूप में, तो हमारी लातेहार, गढ़वा और पलामू की पुलिस सब हम लोग एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। और हम लोगों ने एक आदेश और एक अच्छा काम यहाँ पर ये किया कि बाउंड्री एक तरीके से समाप्त कर दी, कि बाउंड्री ये नहीं क्राइम के लिए बाउंड्री। तो क्राइम के लिए अगर आपको ये लगता है कि कोई क्रिमिनल आपके किसी इलाके में घूम रहा है और आपको सूचना मिलती है कि क्रिमिनल है, तो आप तुरंत थाना से बात करके उससे उस बने उस इलाके में घुस के आप कार्रवाई कर दीजिए, बाद में ये फैसला होता रहेगा। पहले जो चीज़ों की नहीं होता था कि भाई मेरा एरिया मैं उसमें क्यों जाऊँगा क्यों जाऊँगा, तो बहुत बड़ा एरिया खाली नहीं रहा, बिल्कुल नहीं एरिया खाली, एरिया ऐसे भी नहीं रहना चाहिए, एरिया खाली क्राइम के FIR लॉन्च होने के लिए होना चाहिए। कि अल्टीमेटली FIR कौन लॉन्च करेगा, अगर पकड़ा गया तो पूरी टीम मिलकर काम कर रही है। मान लीजिए कि रामकंडा और चैनपुर का बॉर्डर, अब अगर किसी ने जैसे आप उस देखा होगा आपने अभी जो पिछले विगत नवंबर में दिसंबर में मारा गया था रजनीकांत, तो क्षेत्र किसका था? क्षेत्र था चैनपुर का, पलामू का, मारा किसने? रामकंडा आप सज्जा जो गढ़वा के थे ना, तो जिसमें पीछा करती है पुलिस किसी का, तो बाउंड्री थोड़ी देखती है, लिखा थोड़ी नहीं है तो खत्म हो गया जंगलों में होगी। रोड पर आपको बाउंड्री मिल सकती है कि यहाँ पर समाप्त सीमा आप रखी, लेकिन जो जंगल में है वहाँ कहीं डिमार्केटेड ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे गड़बड़ खत्म हो गया, तो क्रिमिनल का पीछा कर चला जाएगा, कहीं उसको रोक। और अगर ये मालूम पड़ता है कि ये इस क्षेत्र में आ गए हैं तो इमीजिएटली वहाँ की पुलिस को, वहाँ के स्पेशल को खबर हो जाती है कि हम आपके एरिया में हैं और अब आगे की कार्रवाई में आप अपनी टीम, आपकी टीम अगर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि समय भी नहीं मिलता, अब हम अगर किसी क्रिमिनल का पीछा कर रहे हैं तो उस समय फ़ोन अगर नहीं काम करें तो कैसे खबर करेंगे किसी को? पहले मेरा पहला प्रायोरिटी क्या है, उस क्रिमिनल को न्यूट्रलाइज करना है या फिर क्रिमिनल को पकड़ना है। अब हम किस क्षेत्र में घुस रहे हैं इसके मटेरियल, तो हम लोग ने ये भी है टीम वर्क के रूप में अच्छी व्यवस्था की है, आपस में जो बॉर्डर के जो हमारे थाना प्रभारी लोग उनके भी है। और इसके अलावा अभी हम लोगों ने यहाँ प्रचलन स्टार्ट किया है पिछले जब से मैं आया हूँ कि हम लोग एक टास्किंग कहते हैं, हमारे DG साहब का हमेशा ये रहा है कि आप जो है हमेशा उसको अपने ऑफिसर से आप क्या चाहते हैं, वो क्या काम है मालूम होना चाहिए। पहले क्या होता था कि आप थानों में जाइए तो आपको उसको ये मालूम नहीं होता था, थाना में थाना प्रभारी को मालूम होता था, लेकिन उसके बाकी स्टाफ को कुछ मालूम होता कि उसको करना क्या, उसका रोल क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको ये मालूम था कि मैं ये हूँ मुझे काम बोला जाएगा तो करूँ। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है कि आप उनको ये मालूम है
और जाके सब लोग पूछ रहे हैं सीनियर अफसर, भाई आप बताओ कि तुम्हारा क्या नाम है? बोले मेरा नाम सनी है। क्या काम करते हो? सर हम केस इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो केस में कैसे इन्वेस्टिगेट करते हो? मैंने ऐसा फर्जी टाइप की बात है, लेकिन हाँ हमको अपना वास्तव में मेरा क्या काम है वो हमको मालूम होना चाहिए। जब हमको काम मालूम होगा तभी हम अच्छे ढंग से अपने काम को कर सकेंगे। इसके लिए हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सब डिविजन लेवल पे डीएसपी लीडर होते हैं, उसके अंदर में इंस्पेक्टर और तीन चार थाने के, दो थाने के चार थाने। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि एक डीएसपी को बुलाते हैं, उसके अंडर में जितने इंस्पेक्टर जितना थाना उनकी टीम के रूप में हम ला रहे हैं, और टीम से अफसर इंचार्ज इंडी हम लोग मैंने डीआईजी से लेकर एसएचओ साथ बैठते हैं। साथ बैठ कर हम ये डिसाइड करते हैं कि तुम्हारे क्षेत्र में क्या प्रॉब्लम, तुम्हारे क्षेत्र में जो रिकॉर्ड है उसका क्या प्रॉब्लम है, मैंने जो थाने का रिकॉर्ड होता है उसकी क्या स्थिति है, आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि नहीं, आप केसेस पर डिस्पोजल कर रहे हैं कि नहीं, कौन से केसेस को आप रोक कर रखते हैं, वारंट कोड की क्या पोजिशन है, वारंट कोड की नॉर्मल अपराध करने की है, अगर अपराध करने की वारंट है क्यों रखा है, बचा के क्यों कोड की रखी है, कोई वारंट कोड की एक प्लस ज़्यादा पेंडिंग नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोग रेगुलर इनकी टास्किंग ऐसी कर रहे हैं ताकि उनको ये लॉ और लीक के रिपोर्ट के रूप में मैंने उनको भेजा जा रहा है, रिटर्न उनको भेजा जा रहा है कि हम लोगों ने आपकी समीक्षा की और ये हम लोग यहाँ से लेकर हेडक्वार्टर तक भेज रहे हैं ताकि उनको ये मालूम रहे कि इनकी रिपोर्ट कहाँ तक जा रही है। अब अगर मैं कल को उस क्षेत्र में जाऊँ तो मुझे खाली ये रिपोर्ट लेनी है अपने हाथ में और जाके उनको पूछना है कि आपने उस मीटिंग में ये बात कही थी, आपने तो उस मीटिंग में बताया था कि जमीन की समस्या है, लेकिन यहाँ हम आके देख रहे हैं कि लोग बता रहे हैं जमीन की नहीं, आपके यहाँ मर्डर होते थे, आपने झूठ बोला उसको, अब आप बन जाते हैं इससे। तो मैंने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स हो गई है कि आप लोग क्या करना है, आपको ड्यूटी क्या है, आप सही बोल रहे हैं। तो ये इसके बाद तो और रोज़ नए नए तरीके आ रहे हैं, रोज़ नए नए क्राइम हो रहे हैं, रोज़ नई नई बातें हो रही हैं, अनुसंधान क्वालिटी क्या है, कैसे आप जैसे केस को डिटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कोई अगर केस फंसा हुआ है तो उसमें आपने क्या किया क्या नहीं किया, क्यों आप केस को डिटेक्ट नहीं कर पाए, पुराने केसेस क्यों डिटेक्ट नहीं हुए, नए केसेस में आपने क्यों नहीं किया, आप तो आपके यहाँ अगर 5 क्राइम हो रहा है आप एपी केस डिटेक्ट नहीं कर रहे, तो ऊपर एक प्रेशर बना रहता है बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों ने मेन क्या है कि केस बहुत जगह टेंडेंसी होती है कि केस अगर बहुत दबा दो उसको, हम लोगों ने बिल्कुल सख्त मनाई कर रखी है कि जितने केस हो सकते हैं दर्ज कीजिए, केस दर्ज होना चाहिए, अनुसंधान होकर गिरोह पकड़ा जाना चाहिए, उससे जो अपराध में कमी आएगी केस दबाने से कमी नहीं आ सकती। यानी अपराधियों पर लगाम लगाना साथ ही साथ उनको सजा दिलाना भी आता है, मतलब वहाँ तक भी पहुँचने का काम कर रहे हैं। तो वही काम देखिए, अगर आप पूरा सिस्टम देखिएगा तो बेसिकली पुलिस का काम अपराध जब शुरू होता है अपराध के साथ सजा दिलवाने तक का काम पुलिस का ही। हम लोग ने चूँकि पुलिस के पास इतना वर्कलोड है, इतना लॉ एंड ऑर्डर है, इतनी समस्याएँ हमारे पास हैं, इतनी फोर्स की कमी हो जाती है, बहुत सी बातें ऐसी हो जाती हैं जिस कारण से हम जो हमारा मूल काम है उसको हम करते जरूर हैं बट इतनी ज़्यादा संख्या में हो जाता है कि उसको उसका अंजाम तक पहुँचाने में कोई दिक्कत। लेकिन अभी आप देखेंगे कि पलामू जिले को आप लीजिए या लातेहार को आप लीजिए कि कितने अभियुक्तों को यहाँ के जो पलामू के बड़े बड़े अभियुक्त थे डब्ल्यू सिंह कुणाल सिंह सबको उम्र कैद की सजा हो चुकी है, आखिर कैसे हुँ? तो ये हम लोगों ने क्या किया, उनके केस निकाले, उसका फास्ट ट्रायल ऑनरेबल कोर्ट से मिलकर हम लोगों ने उनसे कहा, रिक्वेस्ट किया कि ये हमारे ऐसे केसेस जिसको आप फास्ट ट्रायल कीजिए, ऑनरेबल कोर्ट ने हमारी मदद की और उसके बाद हमने जो ट्रायल किया हमारा एविडेंस हमारे पास थी, हमने अपने गवाहों को लाया, गवाहों को उपस्थित हुए और आज जितने यहाँ के बड़े बड़े क्रिमिनल्स थे सबको हम लोगों ने सजा दिलवाने में पुलिस सक्षम हो पाई। तो ये जो सजा उसको मिली इसके बहुत दूरगामी प्रभाव ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जो बॉर्डर लाइन पर, या वैसे क्रिमिनल्स पहले सोचते हैं अरे क्या होगा क्राइम कर लेंगे तो मेरा क्या कर लेगी पुलिस, लेकिन जिस दिन ये मालूम पड़ जाता है कि पुलिस खाली पकड़ेगी ही नहीं तो वो सजा भी करवा देगी, वो कोई भी क्रिमिनल नहीं चाहता है कि वो जेल में जाए। दर्शकों हम बात कर रहे हैं पलामू परमंडल के पुलिस उप महानिरीक्षक विपुल शुक्ला जी से। विपुल शुक्ला जी, अभी तो आपने कहा कि जो भी क्रिमिनल हैं उनके पूरे अभी असेट्स के लिए आप एक पहल करने जा रहे हैं, उनके असेट्स को जहाँ देखिए एक ऐसा है कि अभी आपको ये हम लोग कानून हमारे पास बहुत सारे और उसका उपयोग हम लोग धीरे धीरे मैंने बेहतर तरीके से करने का प्रयास हो रहा है,
और जैसा कि अभी एक आई मान लीजिए कभी नक्सली तो नक्सली दिन रात आपको लेरी वसूलते हैं, लेरी वसूल के वो क्या कर रहे हैं, वो अपना घर बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं और कहीं जमीन खरीद रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं, लेकिन वो कब मालूम पड़ता है जो वो पकड़े जाते हैं। इसी तरह क्रिमिनल्स भी जितने हैं जिन्होंने भी आज तक रंगदारी टैक्स वसूली जितने भी किए आज तक सबसे, वो लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है उसको बोलते हैं, माने अपराध से उपजा हुआ जो पैसा है ये बैंक तो रखते नहीं, इससे कहीं प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कभी सोचते हैं अपने नाम से, कभी किसी और के नाम से। तो हम लोग का ये है कि जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट एक बहुत ही अच्छा कानून है जिसमें कि पावर है कानून के तहत जो संपत्ति नक्सलियों ने इस पैसे से बनाई है लेवी वसूल कर, अगर वो जानकारी हमको हो जाए उसका एक तरीका है, प्रोसेस है, कौन से सेक्शन लगेंगे, पहले धारा लगनी चाहिए, उसके आईओ डीएसपी बनते हैं, फिर उसके बाद वो प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई होती है कि हाँ ये प्रॉपर्टी है। तो बहुत से लोग पूछेंगे कि सर प्रॉपर्टी तो उसके नाम में होगी नहीं, किसी और के नाम से होगी, तो जिसके नाम से वो प्रॉपर्टी है वो एक्सप्लेन करेगा आखिर वो प्रॉपर्टी उधर कैसे आई, अगर वो एक्सप्लेन कर सकता तो अच्छी बात है, और नहीं कर सकता है तो माना जाएगा कि इसने प्रॉपर्टी इसके, और फिर वो बहुत तरीके हैं हमारे पास रिलेशंस निकालने के लिए क्रिमिनलों पर। तो क्रिम उसमें क्रिमिनल के भी अगर ऑर्गेनाइज गैंग है क्राइम है उसमें भी उसमें पार्ट है कि आपने कैसे। तो अगर संपत्ति करोड़ों करोड़ संपत्ति वही मान लीजिए अटैचमेंट का नहीं भी हो, इनकम टैक्स एक्ट तो है ना, वो तो पूछ सकता है ना उसको आगे कि आप कहाँ से आके संपत्ति लाए, जवाब देना। तो लेकिन इस वाले में ऑर्गेनाइज क्राइम का जो है एक्ट ऑफ टेरर या एक्ट ऑफ क्रिएटिंग लॉ एंड ऑर्डर आप कर सकते हैं, वो उसके दायरे में वो आता है। और इसी के तहत हम लोग अब उस पर शुरुआत झारखंड में हो चुकी है, आपने देखा होगा कि हजारीबाग में आक्रमण का जो घर जब्त हुआ उसी एक्ट के तहत हुआ, और काफ़ी लंबी और लिस्ट ऑलरेडी बन के तैयार हो रही है, जा रही है, क्योंकि अब हमारे डीजीपी साहब को ये पावर कानूनन मिला हुआ है कि वो ऑर्डर कर सकते हैं कि संपत्ति है जानकारी, तो वो अगर अटैच करने का उन्होंने ऑर्डर दे दिया तो संपत्ति वो जब्त हो जाएगी। तो ये भी हम लोग की पहल तुरंत उसमें है, और ये मैं समझता हूँ कि जैसे ही प्रभाव पे आई मैंने आ तो चुकी है, लेकिन इसमें लोगों का सहयोग और जो समाज के ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनको भी, क्योंकि केवल पुलिस का कर्तव्य तो है कि पुलिस ही खाली क्राइम देखे, या अगर उनका अंकुश लगाने का बहुत अच्छा तरीका है, अगर एक बार ये मन में डर बैठ जाए आखिर पैसा वो क्यों कमा रहा, आखिर अपराध कर रहा है पैसा कमा रहा क्यों, उसको कुछ संपत्ति बनानी है कुछ करना है, अगर उसके मन में ये बात बैठ गई कि ये जो पैसा हमको मिल रहा है तो सरकार जब्त कर लेगी तो उसका मनोबल वैसे ही टूट जाएगा। तो ये भी एक मनोबल तोड़ने का बहुत बड़ा। सर अभी लगातार आप पुलिस अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को पुरस्कृत कर देता है, एक सिलसिला जारी होता है कि कोई भी अच्छे काम को जिनका मनोबल बढ़ता है, दूसरी लगातार नक्सली जो है आत्मसमर्पण की ओर भाग रहे हैं, क्या मानते हैं? नहीं ये भी अच्छा, देखिए क्या है ओवरऑल माहौल झारखंड में सब तरफ से हम लोग अच्छी मदद मिल रही है, सरकार हो हमारे पुलिस हेडक्वार्टर हो सभी में अभी इतना ज़्यादा अच्छा तारतम्य है कि सभी लोग चाह रहे हैं कि जिस काम के लिए हम लोग यहाँ पर भेजे गए हैं उसमें लोग जितना भी अच्छा करेंगे जनता को ही सहूलियत होगी। तो जो हमारी सरेंडर पॉलिसी जैसे आपने पूछा है, सरेंडर पॉलिसी हमारी इतनी बढ़िया है झारखंड की, ऐसी कहीं की पूरे हिंदुस्तान में, तो जो नक्सली या जो ऐसे लोग जो रास्ता भटक के अब सोच रहे हैं कि मैं हम लोगों ने ये गलत काम किया और इससे कोई फ़ायदा नहीं है, वो सरेंडर कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं लगातार इतना दबाव बन रहा है पुलिस ऑपरेशन से, पुलिस रेड से भी। अब आप देखिए लास्ट ईयर जब हम लोग ऑपरेशन हम लोग अपना कैलकुलेशन करते हैं पाते हैं कि पूरे साल में मान लीजिए 450 ऑपरेशन, इस साल मैंने हम लोग अभी कैलकुलेट कर रहे थे लगभग छोटे मोटे बड़े नाका पोस्ट मिला के देखिए 750 ऑपरेशन हो चुके हैं अभी तक। तो संख्या इतनी ज़्यादा दबाव बन रही है, और हर जिला पहले जो है वो हमारे ऑपरेशन होते थे सर्दी में और गर्मी में, बरसात में लगभग ऑपरेशन बंद हो जाते थे, बरसात का लगता था कि बरसात का समय है बरसात में। अभी तो आप देखिएगा गर्मी सर्द, अभी आपने देखा जो पूरा पहाड़ जो एक महीना ऑपरेशन चला बिल्कुल भयानक, इतनी गर्मी थी।
कंप्लीट, हमारी सारी फोर्सेज ने एक महीना बहुत सुंदर ऑपरेशन किया और सब ने सस्टेन किया। और सस्टेन का फायदा ये होता है कि नक्सली को समझ में आ रहा है कि ये केवल हम लोग दिन रात मैंने दिन रात उनके पीछे लगे हुए हैं उनको हम लोग। अब ये अलग है कि वो कहीं से आते हैं छोटी मोटी गुरिल्ला वाली घटना कर देते हैं कि इसमें ट्रैक्टर में आग लगा दिया कर उनको कर लें, लेकिन जनता भी उनके प्रति, आप देखिएगा कि जनता भी उनके प्रति बहुत खुश नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो अभी आपने पेपर में हाल के दिन देखा होगा जो अजय अगर की लड़की ने जो ऐसे लिखा, उसने खुद लिखा है कि उग्रवादी अच्छे लोग नहीं हैं। तो जब उग्रवादी की बेटी ही खुद कह रही उग्रवादी अच्छे नहीं होते तो मुझे और किसी से डिपेंडेंट जो तो हम लोग हैं लगातार सब ये बात बताइए जैसे ये क्राइम कंट्रोल के लिए आपके पास और जैसे क्राइम कंट्रोल और क्या क्या। अभी देखिए आप देखते होंगे लगातार लोग मोटरसाइकिल चेकिंग होती है, फोर व्हीलर चेकिंग होती है। सबसे बड़ा काम क्राइम कंट्रोल के लिए ये है कि देखिए पुलिस का रिस्पांस टाइम सबसे कम होना चाहिए। कहीं एक घटना होती है उसके लिए हम लोग कोशिश करें कि जितनी जल्दी पहुँचे, एक पब्लिक में मैसेज जाता है कि पुलिस जो है हमारी बात सुनकर तुरंत आती है। दूसरी चीज़ पब्लिक का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। या सब लोग केवल पुलिस अकेले नहीं कर सकती है, मैं बार बार रिपीट करता हूँ सभी जगह कि केवल पुलिस जो है वो अकेले किसी काम को नहीं कर सकती। जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक हम लोग पूरा आपको जो आप जैसा चाहते हैं वो नहीं दे सकते। इसलिए जनता का सहयोग सबसे महत्वपूर्ण है। अगर वो कुछ देखते हैं सुनते हैं तो सबसे ज़्यादा जनता को ये डर लगता है कि हम लोग बोलेंगे तो हम लोग की बात चली जाएगी बाहर, बाद में दिक्कत होगी। लेकिन हम लोग आश्वस्त करना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है सभी कि आपकी कोई बात, अभी आजकल सिस्टम आ गया है आप 100 पे डायल पर कर दीजिए, आपको लगता है तो आप SMS कर दीजिए, SPO कर दीजिए, DSF का नंबर हम लोग को मिले हैं। तो आपको अफसर का चयन जरूर करना पड़ेगा कि आपको जिससे लगता है कि आपको डर नहीं है, ये आदमी हमारी बात नहीं किसी से बताएगा या हमारी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो बचा के रखेगा, आप उससे पहले बता दीजिए कि सर ये बात है हम आपको बता रहे हैं, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। यानी निर्भीक होकर लोग संपर्क करें और ये क्राइम पर कंट्रोल के लिए। अभी सर आपके जिले के SP रात में बोल रहे हैं, आपने कहा कि इस तरह से अभियान चलाया जा रहा है तो और लोगों में एक जागरूकता आएगी और लोग जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, अब लोग व्यक्तिगत होकर रात भर आराम से कहीं भी आ जा सकते। बिल्कुल है, देखिए अभी आपने पलामू में देखा होगा, पलामू में पहले रात में चोरियाँ बहुत होती थी, तो इतनी ज़्यादा चोरियाँ होती थी जब मैं ज्वाइन किया था मैंने देखा चोरियाँ बहुत हो रही, लोग आते थे सब बहुत चोरी। अब तो मैं नहीं समझता हूँ कि पलामू में रात चोरी, दिन में चोरी हो सकती है, रात की चोरी काफ़ी लगभग नील इसलिए हो गई क्योंकि हम लोगों ने पेट्रोलिंग सिस्टम चेंज किया था। और कहा वही वाली बात, साइंटिफिक तरीके से हम लोगों ने स्पॉटिंग हॉट स्पॉटिंग की नक्शे पर कहाँ चोरियाँ हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, क्या करना है, और जैसे मालूम पड़ा हम लोगों ने उस पर प्लानिंग अपनी जैसे चेंज की। देखिए आप और इधर गिरफ्तारियाँ भी आप देखेंगे कि चाहे वो कोई मामला रहा हो सबका उद्भेदन। मैं समझता हूँ कि अब लेटेस्ट जो एक बैंक डकैती वाली घटना हुई उसको छोड़ दें, लगभग जितने कांड पलामू में दर्ज हो रहे हैं, चाहे वो केंदु पत्ते में आग लगाने वाला हो या नक्सली को पकड़ने वाला हो या रोड की रॉबरी हो, सब लगभग डिटेक्ट, थोड़ा बहुत समय इसलिए लगता है क्योंकि अब ना टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, लोग का साधन बढ़ गए हैं, यहाँ क्राइम करके बिहार भाग गए, बिहार से क्राइम करके यहाँ आ गए, ये सारी चीज़ चलती है। उसके बावजूद भी हम लोग भी अपने उसी हिसाब से कोशिश कर रहे हैं, पुलिस भी जैसे भी आप देखेंगे पेट्रोलिंग सिस्टम और GPS लगे हमारी कौन सी गाड़ी कहाँ है हमको मालूम, वहीं बैठ के हम देख सकते हैं। तो अगर हमको ये मालूम है कि कहीं घटना हुई तो इमीडिएटली उस गाड़ी को हम अपने कंट्रोल रूम में देखते हैं और उसको तुरंत डायरेक्ट करते हैं कि आप वहाँ पहुँचे। SP साहब आपने पूछा कि SP साहब निकल रहे हैं, तो SP साहब रात में निकलते हैं, रात में ड्यूटी कर रहे हैं, तो जिस तरह से वो घूम रहे हैं कि आप एक आम आदमी बन के, तो वो केवल यही जानना चाह रहे हैं हम लोग एज सीनियर ऑफिसर्स कि जो वास्तव में स्थिति क्या है, जो दिख रही है वही है या बनावटी है, इसको हम लोग चेक करें। और जैसे वो रात में निकले उन्होंने जाकर चेक किया, रिक्शा वाले से पूछा, आदमी से पूछा कैसे हो, वो तो नहीं जान रहा है SP है, उन्होंने बताया कि सर अभी बहुत अच्छा है, आज हम लोग आराम से घूम सकते हैं। लेकिन मैं अभी रात में गया था स्टेशन पर तो मैंने देखा वहाँ पर 3-4 गाड़ियाँ पेट्रोलिंग गाड़ी के साथ खड़ी हुई। मैंने अपने SP को तुरंत कहा कि 3-4 गाड़ी के साथ क्यों खड़ी, अगर आपको लगता है कि इसको चाय पी है रात में ड्यूटी करते हो मैं तो सब एक गाड़ी दो वाली सड़क पर है, एक गाड़ी चाय पी लो, 3 गाड़ी रात में दिल्ली से बना के खड़ी। तो और अफसरों को ना बीच में पुरस्कार की बात कर रहे थे, देखिए कोई भी आदमी जितने लोग नौकरी करें हमारी नौकरी इतनी टफ है पुलिस की कि दिन रात आदमी को नौकरी करना पड़ता है। अब इसमें हम लोग को ना अच्छे और बुरों का पूरे का फर्क
करना बहुत जरूरी, वरना मोटिवेशन जो कहते हैं इसको, मोटिवेशन हमारे में नहीं रहेगा पुलिस को, क्योंकि सर्विस कंडीशन इतनी टफ हैं, इतनी परेशानियाँ हैं, दिन पर दिन कॉम्प्लेक्सिटीज दिन बढ़ती जा रही हैं, और आदमी हम लोग जिस संख्या में हैं और जिस तरह का दबाव हम लोग को है काम का, और पब्लिक चाहती है कि एकदम बढ़िया से बढ़िया पुलिस की तरह काम करें, तो उसके लिए हमको अपने फोर्स को, फोर्स के मोटिवेशन को, फोर्स के मनोबल को बढ़ाना, बढ़ा के रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए जब कभी अच्छा काम होता है तो उसको हम लोग तो जो एस पी लेवल पे होती है वो एस पी इनाम होता है, उनको लगता है कि नहीं ये इनाम ऐसा कम है, इसको और ज़्यादा है, तो वो आता है मेरे पास। और अभी हमारे डी जी पी साहब का तो इनाम के मामले में कुछ कहना ही नहीं है, तो आपकी जो प्रेस की कतरन होती है उसी पे काट के इनाम डायरेक्ट भेज देते हैं। आप देखेंगे कि उसमें लिखा रहता है गुड वर्क रिवॉर्ड ऑफ रुपीज 3,000, 5,000, 10,000, 15,000, जो उनको लगता है। और जहाँ बड़ी बड़ी घटना होती है, कहीं एनकाउंटर होता है, मारे जाते हैं, तो स्वयं हेलीकॉप्टर से पहुँच कर वहाँ जाकर उसको इनाम देते हैं पदाधिकारियों को। जैसा कि अभी आपने यहाँ देखा होगा शहीद साहब में, कहीं पर भी जहाँ भी गिरिडीह में, तो ये सारा आप देखेंगे। मैंने एस डी आई जी मैं यहाँ बैठ के जो कर रहा हूँ, हमारे डी जी साहब बैठ के हेडक्वार्टर से कर रहे हैं, और सारी टीम का इंटेंशन यही है कि हम लोग सर्विस देने के लिए आए हैं, सर्विस दे रहे हैं पब्लिक को, और अगर इस नियत से हम लोग काम कर रहे हैं तो स्थिति आप बिल्कुल। दर्शकों बता दें कि लगातार क्राइम पर कंट्रोल हो रहा है। जब कहते हैं ना कि घर का मुखिया अगर बहुत ऑनेस्ट आ जाए, तमाम घर के लोग भी ऑनेस्टी की ओर चल देते हैं, और जब घर का मुखिया टाइट होता है तो लगातार नीचे के स्तर के जितने लोग होते हैं वो सभी जगह जो है सब कुछ संतुलन में दिखता है। उसी तरह पलामू जिले में लगातार डीआईजी साहब के आने के बाद, यानी कह सकते हैं कि विपुल शुक्ला जी के आने के बाद, लगातार क्राइम पर कंट्रोल हो रहा है। यही नहीं, रात भर पेट्रोलिंग हो रही है, लोग निर्भीक होकर सड़कों पर चल रहे हैं। अगर कुछ गलतियाँ कहीं पर हो भी रही है, यानी कहीं छोटी मोटी हो रही है, उस पर भी कंट्रोल किया जा रहा है। एक बात और कि तमाम केसों का, जितने भी केस दर्ज हुए थाने में, तमाम केसों का उद्भेदन हो चुका है। छतरपुर अभी बैंक डकैती का जो मामला है उसमें अभी उद्भेदन का काम चल रहा है, उम्मीद है आने वाले समय में ये भी उद्भेदन हो जाएगा। और इन तमाम जो बातें कही है इस पर ध्यान देने की एक बहुत बड़ी बात है कि अब केस क्रिमिनलों पर सिर्फ केस नहीं हुआ, उन्हें सजा नहीं हुई, बल्कि उनकी संपत्ति भी अब जब्त होने के कगार पर पहुँच रही है, और ये बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है पलामू जिले में। चलिए, हमारे से बात करने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। दर्शकों से मैं जरूर कहना चाहूँगा कि आप पूरा पुलिस को सपोर्ट करें, और वैलिड मैंने क्या बोलते हैं, एक सकारात्मक क्रिटिसिज्म के लिए पुलिस हमेशा तैयार रहेगी। आपको लगता है कि पुलिस कहीं गलत कर रही है, या उसकी कोई पदाधिकारी को या सब विंग गलत काम हो रहा है, तो निश्चित रूप से जनता को यह हक है वो हम लोग तक ये बात पहुँचाए कि सर अगर इसको करेंगे तो और अच्छी स्थिति बन सकती है। मैं समझता हूँ कि अगर हम और आप मिल जाएँ, किसी अपराधी की हिम्मत ऐसी नहीं है कि वो यहाँ पर टिक नहीं पाएगा। जैसा कि स्थिति में सुधार आ रहा है, आप खाली हमारे साथ रहिए, हम आपको और सेवा करेंगे।